चुनाव होने वाले हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, हमारे पर्यवेक्षक मेरे हैं और वो सभी वरिष्ठों से और हमारे जो निर्वाचित पार्षद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि आगामी 8 तारीख को निर्वाचन होना है, उसी प्रक्रिया का ये क्या हुआ है। ये जो राजनीतिक की प्रक्रिया होती है किस तरीके से होती है भाजपा में संगठन और संगठन में जो बताया कि हमारे जिला इस क्षेत्र के जो लोग हैं जिन्होंने बरसों से पार्टी को खड़ा किया है, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे निर्वाचित जो पार्षदगण हैं, उन सब की राय जानने के बाद पर्यवेक्षक महोदय जी इस राय को प्रांत में देंगे और प्रांत सभी से चर्चा के उपरांत जो निर्देश देंगे उसका पालन। रायशुमारी में कितने प्रत्याशियों के अध्यक्ष पद के लिए कोई नाम सामने आ रहा है? अब ये चूंकि मैं भी नहीं बैठा उसमें, और पारदर्शिता और पवित्रता की पराकाष्ठा, केवल पर्यवेक्षक महोदय बैठे हैं और इंडिविजुअल सब लोग अपना मत देने जा रहे हैं। वहाँ अंदर न कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई संगठन के व्यक्ति हैं। मैं भी प्रभारी के नाते भी आपने देखा बाहर पेड़ के नीचे बैठा हूँ, और वो इसलिए कि प्रजातंत्र में पराकाष्ठा की पवित्रता रहना चाहिए। किसी का मत जिनको जानने का हक है वो ही जाने। माननीय पर्यवेक्षक महोदय सबका मत लेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रांत को देंगे और प्रांत नेतृत्व जो निर्देश करेंगे उनकी जो आज्ञा होगी उसका पालन हम सब लोग मिलकर करेंगे। पार्टी में संगठन के अंदर एक पदाधिकारी है जिसकी सोशल मीडिया पर कल खुद के मोबाइल के द्वारा जिला महामंत्री पीसी शुक्ला के द्वारा एक स्टेटस के ऊपर लेटर पत्र जारी किया गया था, जिस पत्र के अंतर्गत एक पार्षद प्रत्याशी का आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने इसके द्वारा चुनाव हराने का प्रयास किया है। क्या ये जो संगठन में बैठी हुई पदाधिकारी के द्वारा जो सोशल मीडिया पर डाला गया क्या सही है? अभी जो कल सुहागपुर में थे, आज इटारसी में चुनाव थे, ये विषय पूरी तरह से मेरे संज्ञान में नहीं आया है। कल भी आपके ही किसी मित्र ने मुझसे पूछा था, अब ये आपने मेरे ध्यान में लाया है। मैं यहाँ के सभी प्रमुख लोगों से बातचीत करके कि सत्यता क्या है, अब बिना तथ्य जाने बिना बातचीत किए मैं आपसे कुछ कह दूँ ये संगठन इसमें ठीक नहीं है। जिस प्रकार से जनपद और हम जिले की बात करें जो कि भाजपा के हाथ से निकल गया है, क्या नगर पालिका की हम बात करें, एक अनुशासित पार्टी है नगर पालिका, इस प्रकार के सत्य को आप कैसे मानते हैं? अभी हम दो जीत के आ रहे हैं, कल सुहागपुर जीत, अभी मैं इटारसी से आ रहा हूँ, हम दोनों निर्वाचित हो गए। जो पिछले समय हुआ है वो समीक्षा का विषय है, अब वो समीक्षा मैं अकेले नहीं करता। हम जहाँ हारे हैं वो जनपद हो या जिला पंचायत उसकी विधिवत समीक्षा होगी और उसके बाद मैं आप सबसे मिलूंगा और बताऊंगा कि क्यों हारे। नहीं, वायरल मैसेज के लिए आप देखिए भैया, मैं जैसा मैंने कहा जी, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मैं चर्चाओं पर कोई आंसर नहीं देता। कोई विषय आएगा उस विषय की विधिवत समीक्षा होगी, समीक्षा के उपरांत जो निचोड़ होगा वो निश्चित रूप से आप सभी माननीय पत्रकार बंधुओं को भी और बाकी लोगों को भी। उस पत्र से आपकी भाजपा पार्टी के ऊपर का गलत संदेश गया बाजार नगर में जनता के बीच भी कि अंतर कलह चल रही पार्टी में, दोनों प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं और वो एक दिन पहले ऐसा लेटर वायरल होता जो शिकायत का, इस पर क्या आ जाएगा? मतांतर हो सकते हैं लेकिन भाजपा में मतभेद नहीं है। आज पार्षद से राजकुमारी हुई है तो किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रहती है और आगे क्या होगा? ये तो हमारी संगठन की एक परंपरा है, कोई भी निर्णय लेने के पहले सभी की राय लेते हैं और इस नाते हमारे यहाँ पे सिवनी में जो भी वरिष्ठ लोग हैं पार्टी के उन सब की राय ली है। हमारे जो पार्षद जीत कर आए हैं उन सबसे चर्चा हुई है, इस आधार पर अगला नगर पालिका अध्यक्ष कौन होगा इसके लिए प्रदेश से उनका नाम तय होगा। अभी पैनल में कुछ नाम सामने आए होंगे, उस नामों में किन कौन कौन नाम आए हैं? वो सब रायशुमारी में आ गया है, पैनल तो प्रदेश से आएगी और उसके बाद ही पता चलेगा। प्रक्रिया बताएंगे आप किस प्रकार से प्रक्रिया होती है रायशुमारी? नहीं, बंटू में चर्चा करते हैं लोगों से, चर्चा करते हैं और उस आधार पर बात करते हैं, पूछते हैं राय पूछते हैं। सिवनी मालवा नगर पालिका में पूर्व में महिला अध्यक्ष रह चुकी है, इस बार किस उसको प्राथमिकता दी जाएगी, पुरुष को या महिला को नगर पालिका चुनाव? ये आपको कल शाम तक पता चल जाएगा।